दोस्तों 1 जुलाई 2021 से भारत में कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं वो क्या है। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ज्यादा दूध अब महंगी हो गई है। अगर आपका खाता स्टेट बैंक में है और आप एटीएम का यूज करते हैं तो लिमिट अब 4 बार कर दी गई है। इससे अधिक उपयोग करने पे 15 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है। गैस के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। कितना बढ़ा है वो आपको आपकी एजेंसी मैसेज करके बता देगी। और फिर भी आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं है तो आप अपने एजेंसी में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप अगर SBI बैंक का चेक बुक यूज करते हो तो आपको 10 चेक बुक ही मिलेगी। अगर आपको अधिक चेक बुक का इस्तेमाल करना है तो आपको 40 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है 10 चेकबुक एक्स्ट्रा के लिए। आपका अकाउंट अगर सिंडिकेट बैंक में है जिसे कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है, उसका IFSC कोड अब चेंज हो चुका है। खैर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर नहीं है तो पेमेंट करने के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के शाखा में संपर्क कर सकते हैं। आप अगर टैक्स भरते हैं तो इसे जान लीजिए। अगर आप RTI फाइल करते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका खाता IDBI बैंक में है तो 20 चेकबुक आपको फ्री मिलेंगे। अधिक यूज करने के लिए आपको शुल्क देने पड़ सकते हैं। अगर आप 4-व्हीलर या 2-व्हीलर के शौकीन हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। मारुति और हीरो मोटोक्रॉप ने 3 से 4 हजार तक अपने प्राइस को बढ़ा दिया है। इन कंपनियों का ये कहना है कि अब उन्हें जो रॉ मटेरियल मिलता था वो सस्ती नहीं मिल रही है, इसकी वजह से उन्होंने 3 से 4 हजार तक अपने दाम को बढ़ाया है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसमें से गुड न्यूज एक भी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन।